हम लोग खुद ऑटो वाले हैं, तुम लोग जाम लगाते हैं। एक नजर में भी तेरे दिल हाय हाय ओ यार एल दुराड कहीं कभी खुद से आइए देखते मजा आएगा। सो है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग कुछ सीन ऐसा होने वाला है कि आज हम लोग जाने वाले हैं करजत और हमारा दिल और कुछ हमारे जहां हम लोग जॉब करते हैं वहां पर भैया लोग हैं उनके घर जाएंगे और वहां से कुछ जाएंगे घूमने वाटरफॉल। तो देखिए पहले हम लोग चरनी रोड है तो वहां पर हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम लोग ट्रेन आ गया है तो हम लोग चलते हैं ट्रेन पे। ट्रेन पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पर लोकल पे हम लोग जाते हैं। ये चिराग भाई, ये भैया, ये कमलेश भैया और आदि और हमारे महाराज। चलिए गाइस देखो ये मुंबई है, यहाँ पर आपको बैग आगे से हाथ टांगना पड़ेगा क्योंकि आगे ही टांगेंगे तभी आप ट्रेन से चढ़ सकते हैं, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगा, बैग वैग सब छिन जाएगा। गाइस हम लोग स्टेशन से उतर गए हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं। देखिए कमलेश भाई का घर और इधर देख सकते हैं कितनी क्यूट क्यूट लड़कियां, लेकिन क्या ही बोले हमारा भाई भी क्यूट है। काम है क्या, और बारिश हो गया स्टार्ट गाइस। नाम तो नहीं पता, नेरल। देखिए अभी हम लोग नेरल जंक्शन में हैं, चलिए मिलते हैं। कहाँ तक सफर जाता है कहाँ नहीं पता। और ये है हमारे भैया अक्षय भैया, कुछ बोलना चाहो। हाँ मैं बोलना चाहूंगा नेरल जंक्शन बहुत दिन के बाद अपना रांची जैसा शहर का यहाँ फील आ रहा है। तो देखिए इधर लग रहा है थोड़ा मोड़ा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कमलेश भाई का घर। हम लोग कमलेश भाई का घर आ गए हैं, तो देख सकते हैं बैकग्राउंड कैसा है। और ये अपने मिस्टर बॉन्ड, और ये देखिए प्रणीत भाई। और अभी प्रणीत भाई लेट से आए हैं, तो देखिए यहाँ सीधा आपको सीन दिखाते कितना हार्ड सीन है, जो कि इसका नाम क्या है, माथेरान। ओ सॉरी गाइस माथेरान। तो एक दिन हम लोग जरूर जाएंगे, यहाँ का सीन बहुत हार्ड है, मतलब ऐसा लग रहा सीन कुछ अलग ही फील है गाइस। पूरा खेत वेत और क्या चाहिए, और अपने प्रेम भाई अभी थोड़ा बिजी है, कुछ बोलना है प्रेम भाई? नहीं नहीं भाई, कर दो तो ब्लॉग चालू, बस मजा आने वाला है ब्लॉग में। आप बने रहिएगा ब्लॉग में, प्रेम भाई साथ में रहेंगे, मच्छे आएंगे पूरा, क्या बोलते हैं चाहेंगे भाई। चलिए गाइस, ओह माय गॉड, ओह डैंड, ये पूरा आउटडोर कमलेश भाई का घर। देखिए कमलेश भाई यहाँ पे हैं, ऑटो बुक किया है तो हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। और आदि और अच्छा भैया कुछ कहना है, ऑटो पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ। अभी उधर जाके देखते हैं, तो उधर जाके देखते हैं गाइस, वो बोल रहे हैं। तब तक हम लोग बिरयानी ले रहे हैं यहाँ पे। वेज तो नॉनवेज तो खाते हैं आप? हाँ नॉनवेज। हाँ तो गाइस हम नॉनवेज खाते हैं, तो हम नॉनवेज खाने का बाद मजा लेंगे। और हम लोग क्या बोलते हैं उसको, झरना पे अभी हम लोग डैम डैम तो इनका कहने का मतलब डैम। ओके गाइस तो चलिए वहीं पे मिलते हैं, बिरयानी थोड़ा सा ले रहे हैं हम लोग। पीछे इतना जाम लग चुका है जैसे हमारे रांची में जाम लगता है, हम लोग खुद ऑटो वाले हैं तो लोग जाम लगाते हैं। देखिए पीछे, तो वैसे हम लोग को चल के आना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग चलने का आदत है। और बस वो लोग का इंतजार कर रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं हैवी हैवी सीन। एक पहाड़ पे हम लोग को जाना है, ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग। हम हमको नहीं पता तो प्रणीत भाई बताएंगे क्या। मालवाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, मस्त उधर नहाएंगे बेहेंगे डब्बे झरने के नीचे। मराठी में थोड़ा बोलो ना, कैसे क्या नहाएंगे वहाएंगे मराठी में? अंगोल अंगोल, हाँ अंगोल बिंगोल दो देंगे उधर ही, मस्त वाला। हाँ शॉर्ट सीन करेंगे, तो चलिए गाइस शॉर्ट सीन उधर ही करते हैं। बिरयानी ले लिए, खाना है तो खाना है, मजा है तो मजा है, नहाना तो धोना है, क्या एक नंबर। चलो गाइस तो गाइस हम लोग खाना पीना का सब चीज वेन वेज नॉन वेज सब चीज ले लिए हैं। तो और कुछ भैया लोग हैं दवा ले रहे हैं ये शॉप से, एक सेकंड लोग हैं दवा ले रहे हैं। जुंगुरु, जुंगुरु, जुंगुरु। पकड़ लिया साड़ू, पकड़ ये शॉप से, तो दवा हम लोग नहीं लेते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट वहीं पे आपसे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। नाम नहीं पता, नाम क्या है जहाँ पे हम तपालवाड़ी, तपालवाड़ी में मिलते हैं गाइस। यहाँ पहुंच गए हैं, जो कि आप मेरा पीछे देख सकते हैं पूरा भयानक टाइप में पहाड़ है। और सबसे पहले हम लुक दे देते हैं अपना पहले चश्मा पहन के, और हमारे साथ हमारे चिराग भाई भी है। हेलो,
कुछ बोलना चिराग भाई बोलो यार, कुछ बोलना अभी ऊपर जाके। अरे यार ज्यादा ऊपर नहीं जाने, ज्यादा ऊपर नहीं जाने, हम लोग को इधर ही बोलने का अभी बोलना। और ऊपर का सीन देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है अभी। यस, और इधर पार्किंग है तो अभी हमारे ज्यादा बंदा आए नहीं है तो इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो आपको हम सीधा सीन पे दिखाते हैं। और ये मुंबई का पहला पहाड़ और पहला हम लोग का ब्लॉग रहेगा जो यस यस जंगल को जंगल में तो मचाते हैं ऊपर हो गया अभी और मजा आएगा, और मजा आएगा। देख सकते हैं बैकग्राउंड में क्या सीन है यार। और ये है मथुरा। आज यहाँ माल लोग बहुत पहले से हैं। वाओ गॉड, सो तेरी परम 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 सुंदरी। सो गाइस बहुत ये ऐसे अपने पहाड़ पहाड़ घूमना अपना बहुत पसंद है हम लोग को। और ये है पहाड़ है एक नंबर। ट्रैक पे तो आप लोगों को पता है हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो चलिए बात को जज्बात रख के आगे बढ़ते। पहले हो जाएगा तेरा भाई वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अपन है मुंबई में और मुंबई में बारिश हो रहा है और अपन जा रहे हैं पहाड़ों पे। छाता हटाओ, पहाड़ पे जा रहे हैं अपन। और ये कमलेश भैया का भाई छोटा भाई और आदित्य पूरा बिरयानी बिरयानी ले लिया। ओ माय गॉड, ये पूरा जंगल पे लेके जा रहा है भाई। आप लोगों को दिखाता हूँ जंगल अभी। स्पॉट पे हम लोग आ गए हैं। ये अपना मुंबई का, अरे नाम कहा है यार। तो गाइस थोड़ा प्राइवेट चीज जो भी है वो भैया कर रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले, तो उनको मद्देनजर में रखते हुए अकेले छोड़ देते हैं हम लोग। बाकी बारिश बहुत तेज है भाई, एक नंबर मजा आ रहा है। और ये यही देखने के लिए आंखें तरस गई थी बहुत दिन को बाद भाई। ये सब ट्रैक व्रैक बहुत मजा आता है। देखो सीन देखो, अंकित एलिस को देखो क्या मजा ले रहा है। ये भाई को भी देख लो थोड़ा। आइए गाइस, हम बहुत सारा जब रांची में थे तो रील्स में देखते रहते थे कि कब मुंबई जाएंगे और ऐसा ऐसा सीन में थोड़ा से ट्रैक में वीडियो बनाएंगे। लेकिन देखिए सपनों का साकार पूरा हुआ। और ये वाला हम हमेशा रील पे देखे थे और आज लाइव देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब हमारे दोस्तों की वजह से हो चुका है, क्योंकि ये मैं फन दोस्तों में हूँ। चिराग भाई, चिराग भाई, लोखंडे जी, लोखंडे, लोखंडे थे ना। बहुत जल्द हम लोग घूमने जाएंगे और ट्रैक पे, तो ये ट्रैक नहीं मिनी ट्रैक है, पर यहाँ पर जो सीन है ना भाई, एक नंबर। किधर जा रहे औकात के पहाड़, मैं रुका नहीं कभी, तुझसे भी मैं मिला नहीं। वो तो गाइस तुम लोग क्या जवानी में घूमोगे? देखो अंकल लोग यहाँ बुढ़ापा में घूम रहा है, तुम लोग जवानी में कब तक घूमोगे? घूमो जब तक ये है। तो देख लो अंकल लोग का जज्बा, ये जज्बा है गाइस, अपन जन्नत में है, जन्नत। तो गाइस हम लोग का मतलब जो भी हम लोग पिकनिक था वो सब हम लोग कर लिए, अब हम लोग को ऊपर जाना है। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके हम लोग बिरयानी खाएंगे, क्योंकि जन्नत है। कमलेश भाई हमेशा हम लोग को नाइट पे बोलते थे कि हमारे यहाँ जन्नत है। सच में यार जन्नत है। और हमारे साथ अरे गिर देगा आराम से, आराम से। तो देखिए गाइस पूरा जन्नत है, इधर मजा रहे। चलिए गाइस बहुत खतरनाक ट्रैक है, मतलब ट्रैक क्या बोले। चलिए हम लोग जाते हैं अब वर्ती, मराठी में बोले तो वर्ती ऊपर। लग रहा है कैसा लग रहा है सबको? हमारे हमेशा ना मतलब रील में देखते थे ये सब मतलब लोकेशन रांची में रह के भी, और मुंबई जब से आए थे तो बोलते थे कि हमेशा हम लोग चलेंगे जाएंगे ये लोकेशन पे, लेकिन ये सब हो चुका का रियल रियल। और ये सब हो चुका है बस कमलेश भाई की वजह से, जो कि ये अपने कमलेश भाई ये
और अजीत को देख लो कितना खुश है। बहुत मजा भाई, बहुत बहुत मजा, बहुत मजा आया। अच्छा भैया, अच्छा भैया, आराम से चलने का, ऐसा नहीं चलने का। सबसे अच्छा बात है कि मेरा फोन ना वाटर प्रूफ है, इसी चलते हम ना इतना फोन को खुला रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग सबको अपना फोन को छाता में रख रहा है। अच्छा वो क्या मतलब, क्या बोले, मेरा फोन ना चोरी हो गया था, नहीं तो हम अभी तक आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, थोड़ा शेयर चाहिए, और बस थोड़ा क्या बोले, बस स्पीचलेस हो गए इस जगह को देख के, थोड़ा मतलब अंदर से कुछ आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। तो आप लोग को बस चाहते हैं बस अच्छे से प्यार करें, भाई मेरा ब्लॉग को सपोर्ट करें, अच्छा से लें, और हम अपना भाई को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए सब इंजॉय पे है, सब इंजॉय पे, प्रशांत भाई भी इंजॉय कर रहे हैं, प्रणीत भाई भी, और आप देखिए पूरा जन्नत। आपको हम पूरा मतलब क्या बोले, मुंबई में आके ना इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना कभी नहीं मिला, और देखो आप जन्नत। अरे क्या जन्नत तो यहाँ है, और नहीं। तो गाइस यही चाहते थे हम हमेशा से, ये तो गाइस जहाँ पे मेरे को आना था वहां पे मैं आ गया, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, और मेरे सारे दोस्त नीचे हैं, पर कोई बात नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एक भैया, आपको कैसा फील लग रहा है? ओह माय गॉड, राइट मजा आ गया, बात बोलने ही वाला था कि आप लोग आओ तो यहाँ पे कचरा मत फैलाओ, अगर कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हो तो अपना कचरा वापस लेके जाओ। तो मेरा भाई लोग को देख लो, तो गाइस यहाँ पर आप आओ तो कचरा मत फैलाओ प्लीज, क्योंकि यहाँ कचरा फैलाने से और आप लोग जो ड्रिंक करते हो उसके वजह से बहुत लोगों के पैर में कांच गड़ जाता है, इसके वजह से बहुत लोग का हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसलिए आप लोग प्लीज नेचर को साफ रखो, और क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो ऐसा हमारा नेचर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारा जीवन और क्या बोले हम लोग सांस ले पाते हैं। कुछ मैम लोग से भी पूछते हैं, आप लोग मैम क्या चाहते हैं कि आप एक नजर में भी प्यार होता है मेरे दिल, हाय हाय चुन लिया ने यहाँ पे मतलब सबको आते तो कचरा फैलाते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कांच फैलाते हैं, बहुत अच्छी जगह है, मेरी क्यूटी भाई जान, आई लव यू, तुम्हें जो मैंने देखा तो गाइस ये लोग जो है वो लोग तुझको ही दुल्हन बनाऊं, नेचर को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे जगह पे घूमने आते हैं, तो आप लोग भी आओ तो प्लीज कचरा मत फैलाओ, क्योंकि हमारे बहुत लोग भी नेचर को ही प्यार समझते हैं, ऐसा हम रांची में सोचते थे कि आएंगे आएंगे मुंबई और ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाएंगे, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा, क्या बोले, और सारे दोस्त हमारे यहाँ पर मजा ले रहे हैं झरना का। तो यहाँ पे हमारे भैया जो है हमारे चैनल का नाम पूछ रहे हैं, प्लीज नेचर पे आके आप लोगों को
यस, और यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए वो आप लोग लोगों को बताएं। डोंट पुट ये वाला कचरा इन ऑल। यस यस यस, जरूर बात करें। डोंट ड्रिंक एंड एंजॉय, एंजॉय द नेचर एंड फील दिस स्पेस, क्योंकि हमारे इन्हीं की वजह से हमारा सांस चलता है। तो प्लीज डू नॉट मतलब बस कचरा मत फैलाइए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो भैया के भी यही कहना, क्या भैया? तो गाइस, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप लोगों से पब्लिक से पूछे, कुछ लड़कियों से पूछे जो क्यूट क्यूट दिख रही थी, क्योंकि वो लोग का भी कहना है कि आप लोग आए तो नेचर को गंदा नहीं करें, क्योंकि हम इनकी वजह से हम हैं, और ये अगर नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं, देखो मुंबई में हम पहला ब्लॉग बना रहे हैं जो कि मतलब पहाड़ों पे, जंगल पे, वाटरफॉल पे मेरा पहला ब्लॉग रहेगा। तो अगर नशा करे तो प्लीज आप अपना मतलब कुछ भी प्लास्टिक या कुछ भी है तो अपना वापस लेके जाए, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने तो उनको दिक्कत होता है, ये सब देख के उनको ना बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख। तो आप लोग प्लीज गाइस ये सब मत भूलिए, नेचर का मजा लीजिए, ये भगवान का दिया हुआ एक कुदरती है, इनके वजह से हम जिंदा है। और क्या बोलूं, स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस गाइस। थोड़ा बड़ा मुंबई में आके इंग्लिश भी सीख गए। कैसा लगा भाई? जन्नत, जन्नत का फीलिंग है यहाँ पे, जन्नत, जन्नत यहाँ है। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं? बस हम लोग नेचर का बात किए और कुछ लड़कियों लोग से ही बात किए, तो आप लोग को कैसा लगा? और मुंबई का ब्लॉग ऐसे ही मैं लाते रहूंगा, और थोड़ा मोड़ा ऐसा बात करना पड़ेगा, और मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट किया और बहुत मजा आया। तो अपने भाई लोग से पूछते हैं कैसा लगा। भाई लोग, तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सब लगा, तो आप लाइक शेयर कमेंट सब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और पहले हम ऐसा ऐसा वीडियो बहुत लाएंगे और नेचर का भी व्यू दिखाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, मिलते हैं और टाटा बाय बाय। तो शेयर कीजिए, और क्या बोले, ऐसा व्यू देख के बहुत मन अच्छा लगा। तो दोजन मेरा गया आके। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड, जय इंडिया, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। रांची के अपने, रांची के अपने, अपने बंदे रांची के भाई, रांची के, तो रांची का ही भाषा में बात, तो ब्लॉगिंग करेंगे तो मचाएंगे। एक तरह लोग जोहार बुलाते हैं, जोहार मतलब नमस्कार हमारे लैंग्वेज में। जय जोहार, जय जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड। वो